अभी हम मर रहे हैं उसको भी वही सजाए हो जाए। आप ऐसा चाहती? दुमका की अंकिता को मौत के घाट उतारने वाले नरपिशाच की हंसी सिस्टम पर मजाक है। मैं दुमका की अंकिता को नहीं जानती, मैं शाहरुख को भी नहीं जानती, मगर जिस तरह मोहब्बत जैसे कुछ के नाम पर अंकिता को पेट्रोल से जिंदा जला देने के बाद शाहरुख हंसा है वो जानती हूँ। ये वह वहशी हंसी है, ये सिस्टम पर हंसी है, झूठे मान और बेशर्मी की हंसी है, ये पितृसत्तात्मक समाज की हंसी है, ये संपूर्ण मानवता न्याय कानून को चुनौती देने वाली हंसी है। ये वही हंसी है जिसका परिचय दुशासन ने द्रौपदी के सामने, यसीद ने इमाम हुसैन के सामने दिया था। दुमका की अंकिता के गुनहगार शाहरुख की हंसी एक साथ तमाम सवालों को खड़ा करती। शायद आपको शाहरुख की इस हंसी को देखकर गुस्सा आए, आपका खून खोले, आप एक से एक भद्दी गालियां दें, लेकिन मुझे इस हंसी को देखकर कोई हैरत नहीं है। इस हंसी ने फिर साबित किया है कि अबू सुफियान, माविया, यसीद को अपना रहनुमा मानने वाले शाहरुख जैसे अपराधी किसी पागल कुत्ते से कम नहीं। ऐसे पागल कुत्तों को सुधारा जा सकता है, लेकिन तरीका मानवीय नहीं है। जी हाँ, हो सकता है ये बात हर दूसरे मुद्दे पर मानवाधिकार की दुहाई देने वाले लोगों को अखर जाए, वो आग बबूला हो जाए, शाहरुख जैसे निर्लज्ज के समर्थन में पोस्टर, बैनर, तख्ती उठा लें, लेकिन सच्चाई यही मानी जा रही है कि शाहरुख जैसे वहशी दरिंदे को सुधारने का तरीका गोली मार देना ही है। गोली से न केवल ये दरिंदे सुधरेंगे, बल्कि हर व्यक्ति जो भविष्य में ऐसी हंसी हंसने के लिए ललायित है शांत होगा, कंट्रोल में होगा। दुमका की अंकिता अस्पताल की उस बेड पर जिंदगी की जंग हार चुकी है। हिंदू, मुसलमान, जाति धर्म से परे हटकर सिर्फ एक बार अस्पताल के उस बेड पर जीवन और मौत के बीच जूझती अंकिता की कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए उस दर्द की, उस यातना की जिसे अंकिता ने भोगा होगा। याद होगा आपको वो पल जब आप किसी चौराहे पर चाय पीते हुए किसी का धक्का आपको लगा हो और वो चाय आपके ऊपर गिर गई हो, गर्म चाय से जो पीड़ा हुई होगी, आप फौरन ही उसे ठंडक देने के लिए पानी की तरफ भागे होंगे, लेकिन दुमका की अंकिता के साथ ऐसा नहीं था। जिस वक्त घटना घटी, अंकिता बेखबर बेखौफ सो रही थी। शायद उस पल अंकिता अपने उज्जवल भविष्य के सपने या फिर अपने को कुछ बनते हुए देख रही होगी। कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए यह पल, खुद को आग की लपटों से बचा पाना, कितना चीखी होगी वो। जरूर अंकिता ने उस वक्त मदद के लिए अपनों को पुकारा होगा, हो सकता है वो लोग आए भी हों, लेकिन आग की लपटों ने उन्हें रोक दिया और वे चाह कर भी कुछ ना कर पाए हों। शाहरुख को पुलिस ने पकड़ लिया है और जैसा वायरल तस्वीर में दिख रहा है वो राक्षसी हंसी हंस रहा है। इस हंसी को देखकर हम बस ये कहकर अपनी बातों को विराम देंगे कि काश इस निर्लज्ज शाहरुख को कानून एक ऐसी सजा दे कि ये ठीक वैसे ही तड़पे, ठीक वैसे ही गिड़गिड़ाए जैसे अस्पताल के उस बेड पर वो लड़की तड़पी थी। इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होकर रहना चाहिए। यदि ऐसा हो गया तभी उम्मीद जागेगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में कानून अभी भी जिंदा है, वो दोषी को सजा देने की हिम्मत रखता है। उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजाए हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ, हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आया, पापा भी बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं, और उसको 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग दिया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था, हम खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना, वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो का उधर। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपको शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह, मुंह थोड़ा सा छोड़ा। बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम?
हाथ देखिए ना, जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं हमारी बहन अंकिता सिंह यहाँ पर अभी आप लोगों के सामने, जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं उसको वही सजाए हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ।